दोस्तों, ब्लेंडर के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन जो होता है, हर प्रकार का जो सिलेक्शन है वो हम लोग देखेंगे आज। जैसे कि हम लोगों को अब तक मालूम है कि हम लोग राइट क्लिक करने से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज, तो आज हम लोग देखेंगे कि और राइट क्लिक को छोड़ के और भी बहुत सारा ऑप्शन है जिससे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, पहले इसको मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे मैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप शिफ्ट और ए दबाइए और मैश में जाइए, उसके बाद प्लेन में क्लिक करूंगा तो ये प्लेन ऑब्जेक्ट हुआ। फिर मैं कर्सर को यहाँ रखूंगा और उसके बाद फिर शिफ्ट ए प्रेस करूंगा कीबोर्ड से और मैश में जाऊंगा, और मैश में जाने के बाद में मैं यहाँ पे एक यूवी स्फीयर ले लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं कर्सर को यहाँ रखता हूँ और फिर शिफ्ट ए दबाऊंगा और फिर मैश में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सर्कल ले लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर्सर को लेके आता हूँ और फिर शिफ्ट ए दबाता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब चलिए बात करते हैं सेलेक्ट करने का तरीका सबके बारे में। तो अगर आपको मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाइए और फिर राइट क्लिक दबाते जाइए, तो देखिए मल्टीपल आइटम आपका सेलेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीका हो गया। उसके बाद में अभी इसको हम लोग पहले हटा देते हैं। उसके बाद में आप सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप कीबोर्ड से अगर ए को प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये सबको सेलेक्ट कर देगा। देखिए ये यहाँ से जो कैमरा है और लाइट है ये सारा चीज को ये सेलेक्ट कर ले रहा है। और एक ही खास बात ये होती है कि अगर आप ए को फिर से प्रेस करते हैं तो ये वापस ये सारी चीज को डी सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद और भी सिलेक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए व्यू के बगल में सेलेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा गया है ए, जो हम लोग अभी देखे कि सबको सेलेक्ट करने के लिए या सबको डीसेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एक होता है सर्कल सेलेक्शन और एक होता है बॉर्डर सेलेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर सेलेक्शन का। तो बॉर्डर सेलेक्शन के लिए दोस्तों आपको कीबोर्ड से बी प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे मैं ये दोनों आइटम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो देखिए मैं इसको अगर सेलेक्ट करूंगा, देखिए दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर अगर बी प्रेस करके अगर हम और भी कोई आइटम को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा क्यूब को, तो ये दोनों नहीं हटेगा बल्कि ये भी सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं सबको डी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे सर्कल सेलेक्शन का। तो दोस्तों सर्कल सेलेक्शन के लिए हम लोग को कीबोर्ड से सी प्रेस करना पड़ेगा और ये जो सर्कल का साइज है दोस्तों ये स्क्रॉल व्हील से आप बढ़ा और घटा सकते हैं या फिर नंपेड में जो प्लस माइनस दिया गया है, प्लस अगर करेंगे तो ये बढ़ेगा और माइनस अगर करेंगे तो ये घटेगा। और सिंपल आप इसको क्लिक करते जाइए, देखिए आपका सेलेक्ट होते जाएगा। ठीक है, और आप कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे तो ये सर्कल सेलेक्शन का जो आइकन नजर आ रहा था वो हट जाएगा। ठीक है ना, फिर मैं इसको ए प्रेस करता हूँ तो ये सारा डी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से एक आइटम को पहले सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सेलेक्शन का और एक ऑप्शन आता है रैंडम सेलेक्शन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रैंडम तौर पे इसके बगल वाला जितना भी था, इसके बाद वाला जो भी आइटम था, जैसे कि आपका प्लेन था, सिलेंडर था, लाइट था, वो सेलेक्ट कर लिया। और अगर उसके बाद फिर हम रैंडम में क्लिक करेंगे तो देखिए अब इस तरफ जो आइटम था उसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब इसको फिर से हम लोग डी सेलेक्ट कर देते हैं एक ही मदद से। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे पैटर्न के द्वारा सेलेक्ट करना। जैसे यहाँ पे आप गौर करिए, सी से कैमरा है, सी से सर्कल है, सी से क्यूब है, सी से सिलेंडर है। ठीक है, तो पैटर्न सेलेक्टर में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा सेलेक्ट पैटर्न, यहाँ पे मैं सी लिखूंगा सी और उसके बाद एस्ट्रिक साइन दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, सी से जो भी चीज रहेगा वो सारा को वो सेलेक्ट करेगा। इसको हम लोग इंटर मारेंगे बस। देखिए सी से जो जो आइटम है, जैसे कि आपका सिलेंडर, सर्कल,
उसके बाद जाके फिर आपका क्यूब और कैमरा ये सारा चीज को वो सेलेक्ट कर लेगा। तो ये होता है पैटर्न सेलेक्टर। उसी तरह से दोस्तों और एक होता है इनवर्स सेलेक्शन, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई। अगर इसमें आप क्लिक करेंगे तो देखिए उल्टा करेगा, दैट मीन्स जो जो आइटम सेलेक्टेड रहेगा वो डिसेलेक्ट हो जाएगा और जो आइटम सेलेक्टेड नहीं था वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।